गंगा और यमुना उफान पर है। गंगा का जल स्तर तो खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना में भी पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। झांसी के माता टीला डैम, बुलंदशहर स्थित नरोरा और टेहरी डैम से लगभग 14 लाख क्यूबिक पानी आना शुरू हो गया है। इससे जल स्तर दो दिन में और भी बढ़ने की आशंका है। जल स्तर बढ़ने के कारण बक्सी बांध स्थित स्लूज गेट को भी बंद कर दिया गया है। इस बढ़े हुए पानी के संगम नगरी में पहुंचते ही बांध स्थित बड़े हनुमान जी के भी गंगा स्नान करने की उम्मीद जग गई है। हर साल ही गंगा पवन पुत्र को स्नान कराती है। गंगा और यमुना में तेजी से पानी बढ़ने से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 5 लाख आबादी बाढ़ के पानी से घिर गई है। कई निचले इलाकों में तो पानी भी घुसने लगा है। यह देख डीएम सुभाष हलवाई ने अलर्ट जारी करते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में ही कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नदियों के किनारे स्थापित बाढ़ राहत चौकियों पर तैनात विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। इन कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों के साथ ही लेखपाल को बाढ़ प्रभावित मोहल्ले और गांवों की हर 2 घंटे की रिपोर्ट देने को कहा गया है। बाढ़ राहत चौकियों को दुरुस्त करते हुए तैनात चिकित्सक, पशु चिकित्सक, नगर निगम, विद्युत विभाग, PWD, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 80.59 मीटर पहुंच गया है। इस हिसाब से 31 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। इसी तरह यमुना का जलस्तर नैनी में 79.54 मीटर पहुंच गया है। इस तरह 56 सेंटीमीटर पानी 24 घंटे में बढ़ गया है। छतनाग में दोनों नदियों का पानी 78.91 मीटर पहुंचा है, जो 51 सेंटीमीटर बढ़ गया। आदिवासी अभियंता के अनुसार पानी अभी बढ़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड में भारी बरसात के कारण माता टीला डैम में पानी ज़्यादा हो गया था, इसलिए 4 लाख क्यूबिक पानी वहाँ से छोड़ा गया है जो यमुना में आ रहा है। इसके अलावा चंबल का भी पानी यमुना में आ रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में बारिश के कारण केन और बेतवा समेत दर्जन भर से ज़्यादा नदियों का पानी भी यमुना में पहुँच रहा है। उत्तराखंड में बारिश के कारण टिहरी डैम में ज़्यादा जल होने से वहाँ से भी 2 लाख क्यूबिक पानी छोड़ा गया है, जबकि नरोरा से शनिवार और रविवार को 8 लाख क्यूबिक पानी छोड़ दिया गया है जो गंगा में आ रहा है। हरिद्वार तथा कानपुर बैराज में भी पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका बड़ी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है।